गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आप लोगों को चैप्टर 9 सिलेबस चल रहा है अभी आप लोगों को, और आप लोगों को जो डाउट्स है क्वेश्चन नंबर 21 और 26 में, तो स्टूडेंट इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए जो है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 26। तो स्टूडेंट इसमें जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट से फिर कंक्लूजन से। स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल जार्स आर ग्लासेज, ऑल जार्स आर ग्लासेज, ऑल का बात है, तो इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम में सर्कल जो बनाएंगे वो छोटा बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जार हो गया, जार के लिए सर्कल बना दिया, और ये ग्लास, तो इसके लिए हम लोग बाहर से बनाएंगे क्योंकि ये ग्लास के अंदर है। तो ये स्टूडेंट हम लोग को हो गया ग्लास के लिए सर्कल हो गया। अब जो है यहाँ बोल रहा है कि नो जार इज ए कप, अब कोई भी जार जो है वो क्या है, कप नहीं है स्टूडेंट। तो हम लोगों को स्टूडेंट इसमें डायग्राम जो हो जाएगा इस तरीका से हो जाएगा, यहाँ पर कप, बट एक और डायग्राम होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ बोला है कि नो जार इज ए कप, तो यहाँ पर स्टूडेंट कोई भी जार कप नहीं है। अब स्टूडेंट ये तो नहीं कहा गया है कि नो ग्लास इज ए कप स्टूडेंट, तो इसलिए जो है डायग्राम इस तरीके से भी हो जाएगा। एक ग्लास है स्टूडेंट, और यहाँ पर जो है इस तरीके से भी डायग्राम बन सकता है, ये दोनों तरीके से स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि नो जार, तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है स्टूडेंट। ये तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, इस तरीके से भी डायग्राम बनाया जा सकता है, इस तरीके से भी डायग्राम बनाया जा सकता है स्टूडेंट। अब कंक्लूजन के तरफ चलते हैं, तो कंक्लूजन में दिया हुआ है स्टूडेंट की ऑल ग्लासेज आर कप, अब जितने भी ग्लासेज है वो क्या है, सब कप। तो स्टूडेंट यहाँ पर ग्लास है और सारे ग्लास को कप बताया गया, तो क्या है ये स्टूडेंट, तो क्या है आप लोगों का कैलकुलेशन फर्स्ट क्या है रॉन्ग है, क्योंकि ग्लास के अंदर जो है जार कप नहीं आ रहा, और यहाँ पर जो है सम ग्लासेज पूछता है कि सम ग्लासेज है कप, तो अभी नहीं होता क्योंकि इधर भी नहीं है। अब बोला है कि सम ग्लासेज आर कप, अब कुछ ग्लासेज जो है कप है, तो इस वेन डायग्राम में देख रहे हैं कि तो है यहाँ पर, बट इस वेन डायग्राम में नहीं है, ये जो है विवादित मामला है, समझिए कि स्टूडेंट ये जो है 100% कंफर्म नहीं है, तो इसलिए जो है जो 100% कंफर्म ना हो उसके लिए जो है हम लोग प्लस मानेंगे, सत्य नहीं मानना है, तो ये कट गया। अब स्टूडेंट इसमें जो है हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, बोर्ड छोटा है दिखने में थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, तो स्टूडेंट इसके लिए जो है आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, डी व्हेन नाइदर कंक्लूजन वन और नॉट कंक्लूजन टू, स्टूडेंट आप लोगों का 21 का हो जाएगा आंसर, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर स्टूडेंट, 21 का हो जाएगा यहाँ पर, 21 का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा स्टूडेंट डी, यहाँ पर स्टूडेंट Neither conclusion one और nor second is true, ना तो first सही है और ना तो second सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को डी। आप लोगों के पास बुक होगा या मैंने PDF जो भेजा है उससे आप लोग मिला लीजिएगा। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि स्टेटमेंट्स दिया हुआ कि सम कौन सा वाचिज, अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग बनाएंगे, ये जो है उनका हो गया, और यहाँ पर स्टूडेंट फिर हम लोग बनाएंगे वाच का, ये हो गया वाच। अब कह रहा है कि ऑल वाचिज आर गन, तो जितने भी वाचिज है सब क्या है, गन, तो इसको हम लोग बना देते हैं गन, तो ये हो गया स्टूडेंट गन। अब जो है कह रहा है कंक्लूजन देखते हैं स्टूडेंट,
यहाँ पर। तो अब बोल रहा है कंप्यूटर में बोल रहा है कि ऑल गन्स आर वाचिज। अब सभी गन्स जो है वो क्या है? वाचिज नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है गन के एरिया में जो है वाचिज है, ये अंदर है, तो टोटल गन जो है वाचिज नहीं हो सकते, इसलिए जो है क्या है ये रॉन्ग है। अब स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड नंबर बोल रहा है कि सम गन्स आर फोन्स, तो स्टूडेंट ये क्लियर है कि सम गन्स आर फोन्स, तो ये क्या है? सही है। तो इसलिए स्टूडेंट आप लोगों को इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, इफ मॉनली द कंक्लूजन टू इज ट्रू। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों को 26 का हो जाएगा बी। तो स्टूडेंट आई होप ये आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया, और स्टूडेंट इस तरीके से जो है आप लोग इसमें से जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आप लोग बनाइए और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, और पीछे से रिवीजन भी आप लोग करते रहिए।